हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ सेक्शन 17 टू सेक्शन 34 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 17 अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन दिया जाता है और इस एक्ट के पर्पस के लिए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसी नोटिफिकेशन के द्वारा डेप्यूटी कंट्रोलर्स और असिस्टेंट कंट्रोलर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, या फिर अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के द्वारा भी इनका अपॉइंटमेंट कर सकती है। एक्ट के द्वारा जो भी फंक्शंस कंट्रोलर को बताए गए हैं वो सारे फंक्शंस कंट्रोलर के द्वारा डिस्चार्ज किए जाएंगे। ऐसा करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना जनरल कंट्रोल रखेगी और डायरेक्शंस देगी कंट्रोलर को। जो डेप्यूटी कंट्रोलर्स हैं और जो असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं वो उन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जो कि कंट्रोलर के द्वारा उनको असाइन किए गए हैं। ऐसा करने में वे जनरल सुपरिटेंडेंस में काम करेंगे कंट्रोलर के, और कंट्रोलर के कंट्रोल में काम करेंगे। जो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और टर्म्स ऑफ कंडीशंस होंगी कंट्रोलर की सर्विस की, डेप्यूटी कंट्रोलर की सर्विस की और असिस्टेंट कंट्रोलर की सर्विस की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएंगी। कंट्रोलर का जो हेड ऑफिस होगा और जो ब्रांच ऑफिस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। कंट्रोलर के ऑफिस के लिए एक सील रखी जाएगी। सेक्शन 18 फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। सेक्शन 18 एक लिस्ट देता है फंक्शंस की। इन फंक्शंस में से या तो सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं कंट्रोलर के द्वारा, या फिर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म किया जाना है कंट्रोलर के द्वारा। कंट्रोलर के द्वारा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज किया जाता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की पब्लिक कीज़ को कंट्रोलर के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं और एक्सपीरियंस है उसे स्पेसिफाई किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ अपना बिजनेस किस तरह से कंडक्ट करेंगे इसके लिए कंट्रोलर के द्वारा कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है। कंट्रोलर के द्वारा कंटेंट को स्पेसिफाई किया जाता है जो कि रिटन है, प्रिंटेड है या फिर विजुअल मटेरियल्स का है। कंट्रोलर के द्वारा जो फॉर्म है और जो कंटेंट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उसे स्पेसिफाई किया जाता है। कंट्रोलर के द्वारा फॉर्म और मैनर बताया जाता है जिस तरह से जो अकाउंट्स है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के उनको मेंटेन किया जाना है। कंट्रोलर के द्वारा जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की टर्म्स और कंडीशंस हैं उसे स्पेसिफाई किया जाता है। जो रिम्यूनरेशन पे किया जाना है ऑडिटर्स को वो भी कंट्रोलर के द्वारा ही स्पेसिफाई किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाने हैं उसे फैसिलिटेट किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। कंट्रोलर के द्वारा उस मैनर को स्पेसिफाई किया जाता है जिस मैनर में सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ सब्सक्राइबर्स के साथ में डील करेंगे। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और सब्सक्राइबर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसे टाइम पर रिजॉल्व करने का काम भी कंट्रोलर का ही होता है। कंट्रोलर के द्वारा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ को ले डाउन किया जाता है। कंट्रोलर के द्वारा एक डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड होता है सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का। सेक्शन 19 रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। कंट्रोलर के द्वारा पहले प्रीवियस अप्रूवल लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गजेट में, और इस तरह से किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सबसेक्शन 1 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ऐसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा उसे वैलिड माना जाता है। अगर जो कंट्रोलर है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा किसी भी कंडीशन या फिर रेस्ट्रिक्शन को कॉन्ट्रवीन किया गया है तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके जो रिकॉग्निशन दिया है ऐसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसे रिकॉग्निशन को रिवोक कर सकते हैं। सेक्शन 20 कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी। जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स को इशू करा जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर होल्ड करेंगे। कंट्रोलर के द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सिक्योर हैं। कंट्रोलर के द्वारा उन अन्य स्टैंडर्ड्स को भी ऑब्जर्व किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करे गए हैं। कंट्रोलर के द्वारा पब्लिक कीज़ के कंप्यूटराइज डेटाबेस को मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन 21 लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। कोई भी व्यक्ति कंट्रोलर के सामने एप्लीकेशन पेश कर सकता है कि उसे लाइसेंस दे दिया जाए कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सके।
कंट्रोलर के द्वारा लाइसेंस तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक जो व्यक्ति है उसके पास इनफ क्वालिफिकेशन ना हो, एक्सपर्टीज़ ना हो, मैन पावर ना हो और फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ना हो जो कि नेसेसरी है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाएंगी। अगर जो व्यक्ति है जिसने अप्लाई करा था लाइसेंस के लिए उसको अगर लाइसेंस मिल जाता है तो वो वैलिड होगा उस पीरियड के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। ये जो लाइसेंस होगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा और हेरिटेबल भी नहीं होगा। सेक्शन 22 एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। लाइसेंस इशू करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। जो व्यक्ति एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको और भी चीज़ें उसके साथ में अकम्पनी करनी होंगी। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट। फीस जो कि 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी जैसा भी प्रिस्क्राइब करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करे गए हैं। सेक्शन 23 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो उस फॉर्म में होनी चाहिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है। इसके साथ में 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की फ़ीस नहीं होगी जैसा भी प्रिस्क्राइब करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे ही जो लाइसेंस है उसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने वाली है उसके 45 डेज पहले अप्लाई करना होगा। सेक्शन 24 प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। जैसे ही जो कंट्रोलर है उसके पास में कोई भी एप्लीकेशन आती है सेक्शन 21 में तो वो जो भी अकम्पनीड डॉक्यूमेंट्स हैं उसे कंसिडर करेगा और कोई अन्य फैक्टर्स जो उसको सही लगते हैं उसे भी कंसिडर करेगा और उसके पश्चात जो लाइसेंस है उसे ग्रांट कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। किसी भी व्यक्ति की एप्लीकेशन को तब तक रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसको एक अपॉर्चुनिटी ना दे दी जाए अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए। सेक्शन 25 सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। अगर बाद में ये बात सामने आती है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था एप्लीकेशन में जब वो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आया था और ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है या फिर फॉल्स है या फिर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया गया जो कंडीशंस पहले ही स्पेसिफाई कर दी गई थी जब लाइसेंस को ग्रांट किया गया था या फिर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाना था ऐसे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया गया या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो ऑर्डर हैं उनको कॉन्ट्रवीन किया गया था। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंट्रोलर के द्वारा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो कॉज को शो कर सके। सेक्शन 26 नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर रिवोक कर दिया जाता है कंट्रोलर के द्वारा जो रेवोकेशन है या फिर सस्पेंशन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस का उसे पब्लिश करा जाएगा डेटाबेस में जो कि मेंटेन किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। सेक्शन 27 पावर टू डेलीगेट। कंट्रोलर अगर चाहे तो राइटिंग में दे सकता है और ऑथराइज कर सकता है डेप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या फिर किसी भी अन्य ऑफिसर को कि वो कंट्रोलर की पावर्स को एक्सरसाइज करें। सेक्शन 28 पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशंस। कंट्रोलर के द्वारा या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि कंट्रोलर के द्वारा ऑथराइज्ड है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया जाता है इस एक्ट के प्रोविजंस का, रूल्स का या फिर रेगुलेशंस का। सेक्शन 29 एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डेटा। अगर जो कंट्रोलर है या फिर कोई भी जो ऑफिसर है जो कि कंट्रोलर के द्वारा अथराइज्ड है उसको ऐसा सस्पेक्शन होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रोविजंस है इस एक्ट के उनको कॉन्ट्रवीन किया गया है तो वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस ले सकते हैं, किसी भी अपैरेटस पे, डेटा पे या फिर कोई भी मटेरियल जो कि कनेक्टेड है सिस्टम से उस पे एक्सेस ले सकते हैं सर्च के पर्पज़ के लिए और इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। जो भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का इंचार्ज है उसके द्वारा अगर किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो जो कंट्रोलर है या फिर जो भी कोई ऑफिसर है जो कि कंट्रोलर के द्वारा ऑथराइज्ड है ये ऐसे व्यक्ति को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्हें असिस्ट करे। सेक्शन 30 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स जो भी इस्तेमाल किए जाएंगे वो सिक्योर होने चाहिए और उनके साथ में मिसयूज़ नहीं किया जा सके ऐसे होने चाहिए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी को।
जब बात सर्विसेज की आती है। डिजिटल सिग्नेचर्स की जो सीक्रेसी है और जो प्राइवेसी है उसको अश्योर करने के लिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 31, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एटसेट्रा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाएगा जो भी व्यक्ति एम्प्लॉयड है या फिर एंगेज्ड है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ में कंप्लाई करे। सेक्शन 32, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा उनके लाइसेंस को डिस्प्ले करा जाएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा उनके लाइसेंस को डिस्प्ले किया जाएगा। सेक्शन 33, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। अगर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो गया है या फिर रिवोक कर दिया गया है तो उसे सस्पेंशन और रिवोकेशन के तत्पश्चात जो लाइसेंस है उसे सरेंडर करना होगा। अगर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कंट्रोलर को जो लाइसेंस है उसे सरेंडर करने में असमर्थ होता है तो यहाँ पर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और जो फाइन है जो कि 10,000 रुपीज़ तक एक्सटेंड कर सकती है या फिर दोनों का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 34, डिस्क्लोजर। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा डिस्क्लोज किया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अगर कोई अन्य सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट है जो कि रिलेवेंट है उसको, अगर कोई भी नोटिस ऑफ रेवोकेशन या फिर सस्पेंशन दिया गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट को, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जो कि एडवर्सली अफेक्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी को। अगर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इवेंट हो चुका है या फिर ऐसी एक सिचुएशन है जो कि अराइज़ हो चुकी है जिसने मटेरियली और एडवर्सली अफेक्ट किया है कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी को या फिर उन कंडीशंस को जिनके बेसिस पे जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उन्हें ग्रांट किया गया था, तो ऐसे समय पर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रीज़नेबल एफर्ट्स लेगी कि ऐसा व्यक्ति जिसको इसका अफेक्ट हो सकता है उसको नोटिफाई करा जाए। जो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में कि ऐसे इवेंट के साथ में किस तरह से डील किया जाए तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डेंस में एक्ट करेगी। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ सेक्शन 17 टू सेक्शन 34, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।